पूर्व मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और पूर्व प्रत्याशी युवा नेता अतिरेक कुमार ने रूबेन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना पहुंचे। जी हां, प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि विगत सप्ताह पूर्व ऑफिस से आने के दरमियान मेरा साला व पत्नी सिमरन कुमारी का सड़क दुर्घटना हो गया था, जिसमें घटनास्थल पर ही मेरे साले का निधन हो गया। वही मेरी पत्नी सिमरन कुमारी जिंदा मौत से रूबेन मेमोरियल हॉस्पिटल में जूझ रही है। घटना की जानकारी पाकर दूरभाष के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सहित हजारों शुभचिंतक अभिभावक स्वास्थ्य जीवन की कामना किए थे। लेकिन आज पूर्व मंत्री व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, पूर्व मंत्री डॉक्टर अशोक कुमार का सुपुत्र पूर्व प्रत्याशी अतिरेक कुमार, पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी रत्नेश कुमार, प्रदेश प्रतिनिधि शंकर कुमार झा, अक्षत कुमार, पूर्व मुखिया आलोक कुमार, पत्रकार प्रशांत कुमार सहित सैकड़ों अभिभावक रूबेन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में पहुंचकर हाल समाचार लिया और जल्द स्वस्थ होने की कामना किए। वही प्रभारी दिलखुश कुमार ने कहा कि लगातार हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सिमरन को बेहतर इलाज हेतु संघर्ष व मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आप सभी चाहने वाले का पूरा आशीर्वाद और कामनाएं मिल रहा है। दुआएं और कामनाएं रहते रहे अतिशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होने के लिए हाजिर होंगे। वही श्री त्रिभुवन कुमार ने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सहित दूरभाष के माध्यम से बेहतर और बेहतरीन जीवन की कामना करने के लिए उपस्थित होकर आशीर्वाद देने के लिए आए सभी हमारे अभिभावकों को और हमारे सोशल साइड के तमाम क्रांतिकारी साथियों को दिल की गहराई से आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। दिलखुश कुमार, अशोक कुमार, गोलू कुमार, दीपक कुमार, दिव्यांशु, प्रभात कुमार, निरंजन कुमार सहित दर्जनों युवा साथी उपस्थित थे।